हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी अपनी सहिता दरद। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अभी टाइम हो गया 1 o'clock। हेमंत की ऑनलाइन क्लास कंप्लीट हो गई है, उसने अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। अब हम चलेंगे किचन में उसके लिए लंच बनाने। चलो। सो आज हम बनाएंगे मैंने हेमंत के लिए पापड़ की सब्जी, ठीक है। तो और मैंने उसके लिए चावल भी बना के रख लिए हैं क्योंकि उसको फ्राई चावल बहुत पसंद है। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मनोज भी इधर आओ। सो मिलो हमारे मेरे हेल्पर से मनोज भी है। मनोज भी हेलो मिलो सबको। हेलो। 3-4 रोज से मेरे मनोज भैया से इंट्रो ही नहीं हुआ सबका, तो मनोज भैया से मिले ही नहीं। ये है मनोज भैया हमारे। पापड़ की सब्जी के लिए आपको पहले 2 पापड़ लेने होंगे, दो तीन जो भी हो, मतलब हेमंत खुशी और हेमंत के पापा तीनों को बहुत पसंद है पापड़ की सब्जी। तो कितने स्कूल क्लास खत्म हुई है, कितने मन लगा के वो गेम खेल रहा है। ओ भाई ये तो बन रही है पापड़ की सब्जी। कितनी देर में बन जाएगी? अभी 2 मिनट में। मनोज में तेल डालना। पापड़ की सब्जी की सबसे खास बात क्या है? पापड़ की सब्जी की सबसे खास बात ये है कि 2 मिनट में बन जाती है। यस, बहुत तेज, एकदम सही जवाब। हाँ, ये बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। और जो भी मारवाड़ी हैं तो वो ऑलमोस्ट सब जानते होंगे कि पापड़ की सब्जी सबके घर में बनती होगी। मेरे तो हेमंत को बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़ की सब्जी। कुछ नहीं करना है, ऐसे पापड़ को लेना है, ऐसे ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे 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 ऐसे। जो भी बचे हुए टुकड़े टुकड़े होते हैं वो भी हम इसको यूज कर सकते हैं इसमें। फिर ऐसे कर लो, जो तेल डाल दिया। तो यहाँ मैंने अपने रोटी का तवा भी चढ़ा दिया है, सब्जी भी बन गई है और चावल भी छौंक लिए हैं। ये देखो पानी इधर दिख रहा है आपको, घी भी। तो आपने देख लिया है, मैंने खाना बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मेरी पापड़ की सब्जी, ये मैंने चावल भी छौंक लिए हैं यम्मी यम्मी से टेस्टी से। अब मैं बनाने जाऊँगी रोटी क्योंकि मेरे बेटे को भूख लगी है मस्त वाली। तो रोटी बनाते हैं हम। अब मैं लगा रही हूँ आटा मेरा, जो कि लगा हुआ है, मनोज भैया ने पहले ही लगा दिया था। अब बस इसको ठीक करके अब हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि आटा वापस कुछ देर पहले लगा हुआ रहता है ना, तो उसको वापस थोड़ा सा मठाना पड़ता है, अच्छा सा सही करना पड़ता है, उसके बाद उसकी रोटी अच्छी सी बनती है। हाँ, जैसे कि आज सबने मुझे उस वीडियो में पूछा था कि दीदू आप चूरमा कैसे बनाती हो, तो अब मैं इसमें ये भी बता दूंगी कि मैं चूरमा कैसे बनाती हूँ, ठीक है। चूरमा हम बनाते हैं प्रॉपर जो घर में निकालते हैं घी, उससे देसी घी, देसी वाला घी, मतलब जो घर पे निकालते हैं उससे चूरमा बनते हैं, लाले के लिए, हेमू के लिए और हेमू के पापा के लिए। ये देखो एकदम गर्म गर्म रोटी है, बहुत गर्म है। फूंक नहीं देते हैं क्योंकि फूंक से जूठा हो जाता है, तो फूंक देके चूरमा नहीं बनता है। भगवान के लिए जो भी भोग लगता है ना लाले के लिए, उसमें हम फूंक नहीं देते हैं। पंखे के आगे ले जाओ तो। हाँ, पंखा नहीं रहने दो, ज्यादा ये हो गया है। अब हम उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे पूरा। एक्चुअली ये ना गरम गरम में ही बनता है। हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे क्योंकि मेरा लाला छोटा है ना, तो उसको चीनी का चूरमा वाला ही खिलाते हैं। अब फिर से हम इसमें घी डालेंगे, भर भर के घी डालते हैं इसमें, भर भर के। हाँ, भर भर के घी। एक्चुअली अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मैंने इसको वापस मेल्ट नहीं किया है, ये पूरा मेल्ट ही, आप देख सकते हो, दिखाओ घी। ये मेरे घर का निकाला हुआ घी है। मैं हेमंत को, लाला को और हेमंत के पापा को ऑलमोस्ट घर का निकाला हुआ ही घी खिलाती हूँ। ये बन गया हमारा चूरमा।
अब हम खिलाएंगे अपने लाला को चूरमा। एकदम अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ, इसको एकदम छोटा छोटा बारीक भी कर लेते हैं। अब देखो एकदम बारीक हो गए फल के, के टुकड़े हो गए सारे। हो गया चूरमा, ये बन गया मेरी हेमन की रोटी। अब लगेगा हमारे लला जी को भोग। भोग में तुलसी पत्ता हमेशा डालना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के मेरे लाला भोग नहीं लेती है। तो हम पहले ही स्टॉक में रखती है तुलसी, धो के डब्बे में भर के अब मैं लाला को खाना खिलाऊंगी। जो मैंने चावल छौंके थे ना, उस चावल में प्याज डाला था, तो मैंने प्याज वाला तो लाला को खिलाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने चूरमा सब्जी ये खिलाने जी। लाले के बाद खिलाऊंगी मेरे बड़े लाले को। ये मेरा बहुत सीधा सीधा लाला है, वो मेरा बहुत नटखट लाला है। चूरमा भी खाएगा लाला, और लाला थोड़ी सी रोटी सब्जी भी खाएगा। ठंडा करके जैसे हेमंत को खिलाते हैं, वैसे लाले को भी खिलाते हैं। यार हमारा मुंह जल सकता है तो लाले का भी जलेगा ना मुंह। अब पी रहे लाला पानी। अब खिलाऊंगी मैंने बड़े वाले लाले को खाना। हेमंत देखो मैंने क्या खाना बनाया। हमने चावल बनाया मम्मा, आपको तो पसंद ही नहीं है ना पापड़ नहीं, की सब्जी बहुत पसंद है। और साथ में चूरमा भी तो है। चूरमा तो को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्यों पसंद है? तो पापड़ की सब्जी मेरे हेमंत की सबसे ज्यादा फेवरेट है, और छौंके हुए चावल। राइट, बताओ सबको आपको क्या पसंद है। पापड़ की सब्जी पसंद है, छौंके हुए चावल ज्यादा पसंद है, और वो क्या आलू का भरता होता है ना मनोहर, चोखा 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 चोखा। चलो अब हम मिलते हैं इसको खाना खिलाने के बाद। तो घड़ी में बज गए 5, अब मैं जाऊंगी रेडी होने। मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली। ये देखो ये वाली साड़ी पहनूंगी मैं, इसका वीडियो आपको इंस्टा पे मेरे पेज पे दिख जाएगा। और तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। तो ये देखो वीडियो शूट के लिए दीदी कहाँ पे बैठी है। वैसे नॉर्मली हम वीडियो शूट वहाँ पे करते हैं, जब हमें बैठने वाले टिक्स लेते होते हैं तब हम यहाँ पे आते हैं। एंड ये हमारी फेवरेट प्लेस भी है, एक ये वाली और एक वो वाली, ये दोनों। इसके अलावा देखो मैं आपको दिखाती हूँ इनके बैक से सनसेट कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो आप। मेरा ये फेवरेट व्यू है। और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी जरूर बताना, ताकि इनके वीडियोज भी आ जाएंगे शॉर्ट भाई। हाँ ये देखो जूतियाँ अलग पड़ी है, मैडम अलग ही है यार, वीडियोस में जूती आ जाती है ना। बस अब एक दो शूट सॉन्ग्स और शूट करने हैं, फिर हम चले नीचे, किचन वेट कर रहा है मेरा। दीदी आज खाने में क्या बनाओगे? आज खाने में बनेगी दाल चावल और सब्जी। सब्जी किसकी? बीन्स की, जो भी काटते हैं। अच्छा अभी ये क्या हो गई है वीडियो शूट करके, और हेमंत को खाने का टाइम हो गया है, हेमंत सोएगा, तो पहले फटाफट दूध गर्म करके उसको दूध देंगे, उसके बाद समझ गए आप लोग। तो मेरी दीदी को ना टॉन्ट मत मारा करो, काम नहीं ओनली मुझे नहीं, सारे जितनों को भी आप लोग बोलते हो ना, चीज बहुत बुरी होती है यार। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं यार, पूरे देखो कितनी कितनी स्वेटिंग आई हुई है, देखो हालत देखो, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, कोलैबोरेशन अलग करना होता है। कोलैबोरेशन में लोग बोलते हैं ना फ्री की चीजें आती है, भैया फ्री की चीजें नहीं होती हैं, हमको उनको पहनना पड़ता है, हमको अलग से 2 घंटे टाइम निकालना पड़ता है, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है।
ओके तो अब बनाएगी दीदी खाना? नहीं, मैं पहले खाना वादा बनाऊंगी, पहले हेमंत को दूध दे दूं मैं। अच्छा, दूध दे रहे हो क्या? वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं हेमंत को दूध में चीनी एकदम नाम के बराबर देती हूँ, देख सकते हो। उसको चीनी नहीं खिलाती ज्यादा। देखो तो अभी हो रहा है हेमंत के लिए दूध रेडी, हेमू के लिए। टोपिया देना मनोज भैया, उसको थोड़ा ठंडा कर देंगे क्योंकि कुकिंग हमेशा मेरे घर पे मैं ही करती हूँ, कुकिंग हेल्पर हूँ। हाँ ले मनोज भैया टोपिया देख, तो आप देख सकते हो थोड़ा पकड़ी होती है हमको। दूध ठंडा होगा, मेरा बेटा मन लगा के अभी पढ़ाई की है तो अब उसको वापस थोड़ी देर वो गेम खेलने में लगा है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा करेंगे बोलोगे लोग चप्पू देख के डरा रही है। तो आप देख सकते हो बाकी का रूटीन भी मैं आने वाले टाइम में जरूर शेयर करूंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको आज वाला वीडियो या आज वाला ब्लॉग, नॉट वीडियो, आज वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट से बताना। चैनल पे नए हो, जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर जरूर करना इफ आपको अच्छा लगे तो। बाय, लव यू ऑल।